मुस्लिम ताजिर और हीरा गोल्ड की चेयरमैन डॉक्टर नौहेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद की पुलिस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदर को कल 15 अक्टूबर को ही दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज उसकी खबर आम होते ही मिल्ली हलकों में तश्वीश पाई जा रही है। हैदराबाद शहर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डॉक्टर नौहेरा शेख को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उन पर मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक उन पर जो इल्जाम आयद किए गए हैं, तहकीकात में वो दुरुस्त पाए गए हैं, यहाँ तक कि उनके 160 अकाउंट पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर मुतअद्दिद इल्जाम हैं। इसकी तहकीकात के बाद कल उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें दिल्ली से हैदराबाद ले जाया गया है। आज एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट हैदराबाद में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बड़े पैमाने पर आवाम के साथ धोखाधड़ी की है। हैदराबाद के सामाजिक कारकुन इलियास शमसी ने न्यूज 18 को दिए अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता एक साल से डॉक्टर नौहेरा शेख के खिलाफ ये तहरीक चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर पैसे सल्फी मसलक के लगे हुए हैं और उन्हें ही ज्यादा नुकसान होगा। वादे रहे कि नौहेरा शेख पर भरोसा करते हुए मुल्क के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे। उन्होंने मुसलमानों में ये बात आम की थी कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक तजारत करती हैं। नौहेरा शेख ने खुद को एक आलमा के तौर पर पेश किया और इसके बाद उन्होंने लोगों का एतमाद जीता था। ताहम गुज़िश्ता 2 सालों से उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों और अदाकारों के साथ भी स्टेज शेयर किए थे। इसके अलावा उन्होंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी का कायम करके कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल अब देखना यह है कि नौहेरा शेख का क्या होता है, लेकिन अब जबकि पुलिस ने ये बात कही है और उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है, तो यकीनन नौहेरा शेख को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है। नौहेरा शेख ने जिस तरीके से अचानक एक खवातीन की पार्टी लेकर के सामने आई थी, ये जाहिर हो गया था कि इनके पीछे यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है कि जिसको ये छिपाना चाहती, जिसको ये बताना नहीं चाहती, बल्कि सियासत में आकर के उन तमाम चीजों पर पर्दा डालना चाहती। मिल्लत भी हैरान थी कि आखिर नौहेरा शेख को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो सियासत में आ गए। कुछ लोगों का कहना था कि ये मोदी के इशारे पर किया गया है, तो कुछ लोग इसको समझ रहे थे ये अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश है। अब जबकि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ साफ हो जाएगा। डॉक्टर नादरा खातून, रिपोर्ट MMC न्यूज़, इंडिया, नई दिल्ली।